जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है जमीला काकट जो एडवोकेट है हाई कोर्ट बलूचिस्तान के। ज़रा हम इनसे पूछते हैं कि वो इस इलेक्शन को किस तरह देखते हैं और इनकी पार्टिसिपेशन जो है इस इलेक्शन में किस हद तक है। जी जमीला साहब, जहाँ तक इस इलेक्शन की बात है और इसकी इम्पोर्टेंस की बात है तो नो डाउट ये इलेक्शन बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टैट्यूटरी बॉडी है बार कौंसिल और ये बार कौंसिल के इलेक्शंस हैं और इनका कंपोजिशन बड़ा टेक्निकल है और चूंकि ये रूल मेकिंग करती है, ये लॉ मेकिंग बॉडी है, एक तरह से रूल्स बनाती है, तो इसलिए इसकी अहमियत तो नो डाउट बहुत ज़्यादा है। हर फोरम पे ये बात करते हैं, हर फोरम पे ये जाते हैं। अगर हम देखें यहाँ से आज से 5-6 साल पहले, 7 साल पहले तो इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी क्योंकि यहाँ लोग आते थे, इलेक्शंस बहुत मतलब बहुत माइनर तरीके से होते थे, बहुत ही यूजुअल एक प्रोसेस था। लेकिन जब से मैं कहती हूँ प्रोफेशनल पैनल शहीद बाज मोहम्मद ने बनाया और इसकी अहमियत को उजागर किया और लोगों को इसके बारे में अवेयर किया, हमारे बार को अवेयर किया, हमारे बार में अवेयरनेस आ गई इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से, तो उसके बाद से इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अब पहले कोई कैंडिडेट नहीं होता था बार कौंसिल के लिए, आज 29 कैंडिडेट है बार कौंसिल के, इस चीज़ से इनकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और पार्टिसिपेशन की जहाँ तक बात है तो फुल फ्लेज पार्टिसिपेशन है, वर्क कर रहे हैं, कंपेन चला रहे हैं, दिन में भी कोर्ट के अंदर भी, शाम में चैम्बर्स में जाते हैं, लोगों को कायल करते हैं, अपना जो मैनिफेस्टो है पैनल का वो रखते हैं। हर कैंडिडेट अपना अपना मैनिफेस्टो लेके चलता है और पैनल अपने अपने मैनिफेस्टो लेके चलते हैं, तो हम इसमें पूरी तरह से अपने पैनल के साथ वर्क कर रहे हैं। बाहर भी जा रहे हैं, नोशकी, मस्तूंग, ग्वादर, मतलब हर बलूचिस्तान के हर हर कोने में कंपेन पे साथी जाते हैं, मिलकर जाते हैं और जो जहाँ तक जा सकता है वो जा रहा है और कंपेन कर रहा है। जो यहाँ पर है सिटी के अंदर है वो सिटी, क्वेटा सिटी के में कंपेन करते हैं, तो इसकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है और वर्क भी बहुत, अभी तो 1-2 दिन रह गए, ज़ोर शोर से जारी है। अच्छा, ख्वातीन का किरदार के बारे में बताइए कि ख्वातीन किस हद तक एक्टिव है इस इलेक्शन में। ख्वातीन तो है, अभी ख्वातीन में भी ये रुझान आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आएगा सर, एक दिन से तो नहीं आता। ये एक तो हम इस फैक्ट को कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ख्वातीन को स्पेस नहीं मिलता। नो डाउट्स, ख्वातीन को आप किसी भी फील्ड में ले लो, किसी भी फील्ड में ले लो, अफसोस से कहना पड़ता है कि नहीं मिलता स्पेस। आपने सुना होगा जब लॉयर्स की बात आती है वो कहते हैं लॉयर्स, फिर आगे से कहते हैं फीमेल लॉयर्स, मतलब लेडीज़ लॉयर्स को अलग से कैटेगराइज करते हैं। इस सोच में, मतलब इस सोच को कम करने में भी प्रोफेशनल पैनल का एक किरदार रहा है। फीमेल का जब, फीमेल जब बाज़ार से ना घर से निकलती है, जब वो एक रोटी लेने भी जाती है, जब वो कोई छोटी चीज़ भी लेने जाती है, वहाँ पे भी इसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। वहाँ से लेकर अपने एक जुडिशरी के लेवल तक की अगर हम देखें, डिस्क्रिमिनेशन हर जगह पर है और हर जगह उनको थोड़ा सा, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने होते हैं। अपने लिए स्पेस बनाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। और एक चीज़ ऐसी होती है जहाँ पहले से स्पेस बना होता है और आप आके इंजॉय करते हो उस प्लेस को या उस जगह को, उस मकाम को, उसकी एक अलग बात होती है। लेकिन जहाँ आप स्ट्रगल करते हो, कांटों पर चल कर जाते हो और अपने लिए स्पेस बनाते हो, वो बहुत मुश्किल है। आजकल हम जिस प्रोसेस में हैं वो यही है। जैसे आपने ये कहा कि मैं हर जगह पाई जाती हूँ इसलिए मैं हर फॉरम पे पाई जाती हूँ, हर जगह पाई जाती हूँ, क्योंकि हमें अपने लिए जगह बनानी है। हमने एक सोच को ख़त्म करना है कि हम अलग हैं, हमने ये सोच को ख़त्म करना है कि वकील है, मेल वकील है और लेडीज़ वकील है, या फीमेल वकील लोग बोलते हैं कि ये है, वकील वकील होता है बस, उसको यूनिफॉर्म है, ब्लैक कोट है, वो भी ब्लैक कोट पहन कर आते हैं, मैं भी ब्लैक कोट पहन कर आती हूँ, वो भी उसी कोर्ट के सामने पेश होते हैं, मैं भी उसी कोर्ट के सामने पेश होती हूँ, उन्होंने भी उसी लॉ पे बात करनी होती है, मैंने भी उसी लॉ पे बात करनी होती है, कंटेस्ट उसी तरह से करते हैं, फिर मेरी ज़ात की नफ़ी क्यों नहीं, मेरी जेंडर की को क्यों सामने लाया जाता है, हर बात में मेरे जेंडर को सामने क्यों रखा जाता है कि आप एक फ़ीमेल हैं, आप ये ना करें, आप फ़ीमेल हैं, आप वो कर लें, आप यहाँ मत जाएँ, आप फ़ीमेल हैं, आप कैसे बाहर जाएंगी, आप कैसे कंपेन करेंगी, आप फीमेल हैं। इन सब चीज़ों को कम करने में और इन सब इसी सोच को ख़त्म करने के लिए कोशिश है और काम कर रहे हैं, और एक दिन आएगा जब हमारे लिए एक मकाम होगा, हमारे लिए एक स्टेज होगा, हमें इस सोच से निजात हासिल होगी। और दुआ करती हूँ कि वो सोच जल्द आए और ये चेंज बहुत जल्दी आए
और जब भी आएगा इंशाल्लाह इसमें हमारा एक किरदार होगा। ये तो आपने ऐसी बात पूछ ली, इसके रोल को बयान करना बहुत मुश्किल होगा, इतना बड़ा रोल है। जहाँ पर मीडिया इतनी पॉलिटिसाइज होती हो, जहाँ पर मीडिया की आवाज़ को दबाया जा रहा हो, जहाँ पर मुख्तलिफ कॉर्नर से एक प्रेशर डेवलप हो रहा हो मीडिया पे, जहाँ पर वकला की आवाज़ को रोका जा रहा हो, बहुत सारे हमारे यहाँ बहुत सारी बातों पे, बहुत सारी एक्ट्स पे हमारे यहाँ वो हुआ है, एहतजाज होता था तो मीडिया को रोक दिया जाता था, मीडिया आने से घबराती भी थी, उनको पहले से ही कॉल आ जाती थी कि आपने इसको कवरेज नहीं देना। वॉइस ऑफ लॉयर है तो ये तो हमारी आवाज़ है, ये तो हमारी अब पहचान बन गई है, ये तो अब हमारी आवाज़ के लिए हम किसी मीडिया ग्रुप के मोहताज नहीं है, हम किसी चैनल के मोहताज नहीं है, हम किसी अखबार के मोहताज नहीं है। यहाँ से हम अपनी आवाज़ को पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। ये तो हमारे लिए एक वो ब्रिज है, एक वो सोर्स है हमारी आवाज़ को पहुँचाने का, कि जहाँ हम चार दीवारी में बोलते हैं और चार दीवारी में हमारी आवाज़ को बंद किया जाता है, वहाँ ये एक वो सोर्स है, एक ऐसा मीडिया है जो हमारी आवाज़ को, हमारे आइडियाज़ को, हमारी सोच को, हमारे किरदार को पर लगा के पूरी दुनिया में उड़ाती है और पूरी दुनिया में एक पैगाम देती है। ये वो कबूतर है जो पहले ज़माने में होते थे, जो पूरी दुनिया में उड़ती है और हमारा पैगाम लेकर जाती है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है फरजाना खिलजी, एडवोकेट बलूचिस्तान हाईकोर्ट। ज़रा हम इनसे पूछते हैं कि बलूचिस्तान बार एसोसिएशन के जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसके बारे में वो क्या राय रखती है और ख्वातीन का किरदार इस इलेक्शन में किस हद तक के वो इसको क्या समझते हैं, ज़रा इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरजाना खिलजी है, हाई कोर्ट के एडवोकेट हूँ और 2008 से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। जिस तरह के सबको पता है कि बलूचिस्तान बार कौंसिल के इलेक्शंस हो रहे हैं, ये एक जमहूरी अमल है और ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी जगह पे किसी भी डिपार्टमेंट में होते हैं तो वहाँ पे एक कैबिनेट का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके मसाइल को ऊपर बाला एकाम तक पहुँचाया जा सके। तो जब तक हमारा कोई बार कैबिनेट कोई ऐसा कुछ मेम्बर नहीं होंगे, तो हम अपनी आवाज़ को हुकूमत तक या बाहर के लोगों तक या आला एकाम तक नहीं पहुँचा सकेंगे। तो ये होना चाहिए हर साल, चूँकि जैसे 5 साल के बाद हमारे इलेक्शन होते हैं, हर 5 साल के बाद जो भी हमारा टाइम पीरियड होता है वो एक फ़िक्स होता है कि हमने नवंबर में इलेक्शन करवाने होते हैं। तो उसी अमल के तहत अभी हमारे जो 28 तारीख को हमारे पाकिस्तान बलूचिस्तान बार कौंसिल के इलेक्शन है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पुरअमन तरीके से हमारे इलेक्शन होंगे और एक अच्छी कैबिनेट जो है ना वो सामने आएगी, जो हमारे वकला के लिए, वकला बरादरी के लिए जो आगे चलकर अपने खिदमात सर अंजाम दे सकेंगी। और इसमें जो ख्वातीन का रोल है, चूँकि मर्द और औरत गाड़ी के दो पहिए हैं, जिस तरह अगर हम घर की बात करें कि एक खातून और एक मर्द ही एक घर को अच्छे तरीके से चला सकते हैं, जैसा एक मर्द के बगैर औरत नहीं और एक औरत के बगैर मर्द नहीं, इसी तरह हमारे इस कैबिनेट में भी ख्वातीन का रोल होना ज़्यादा ज़रूरी है, चूँकि ख्वातीन के मसाइल एक खातून ही अच्छे तरीके से फोकस कर सकेगी। तो इस मराइल में, चूँकि हमारे जो क्वेटा बार एसोसिएशन के भी इलेक्शन हुए थे तो उसमें हमारी एक खातून इलेक्ट भी होकर आई हुई है, तो बार कौंसिल में भी मतलब इस बार तो फीमेल का इतना कोई फीमेल कैंडिडेट नहीं है, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे कि हमारी फ़ीमेल की नुमाइंदगी भी हो, ताकि फ़ीमेल की आवाज़ भी बुलंद हो सके और फ़ीमेल के मसाइल भी अच्छे तरीके से हल हो सके। मीडिया आपके किसी इशू को हाईलाइट नहीं करेगी या आपकी आवाज़ को हुकुमरान तक या आवाम तक नहीं पहुँचेगी, तो हम अपने मसाइल को हल ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपकी आवाज़ दूसरों तक पहुँचेगी नहीं, आपके मसाइल दूसरों को पता नहीं चलेगा। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है अवेयरनेस का, चूँकि आजकल मोबाइल हर घर में आम है, एक बच्ची जो अंडर मैट्रिक बच्चे भी हैं या लड़के लड़कियाँ या ओवर एज जो हैं वो भी मोबाइल यूज़ करते हैं, जैसा वॉइस ऑफ लॉयर्स है, इसका होना इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारे मसाइल होंगे वो आगे चलकर बाहर मीडिया के ज़रिए हमारे आवाम तक या हमारे हुक्मरान तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसके ज़रिए हम अपनी आवाज़, कोई भी अपना मसाइल, उसको हाईलाइट करवा सकते हैं और इसको हम रिज़ोल्व करवा सकते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है आसिया अली रज़ा, एडवोकेट साहिबा। बलूचिस्तान बार एसोसिएशन के इलेक्शन होने जा रहे हैं, हम ज़रा इनसे पूछते हैं कि वो इस इलेक्शन को किस तरह देखते हैं और इसमें ख्वातीन के किरदार के हवाले से ज़रा हमें बताएंगे कि उनका पार्टिसिपेशन इस इलेक्शन में किस तरह है। जी मैं ये कहूँगी कि ख्वातीन के बग़ैर तो कोई भी इलेक्शन, चाहे वो जमहूरी वफाकी लेवल पर हो, सूबाई लेवल पर हो या हमारा बार का लेवल हो, तो उसमें ख्वातीन का किरदार बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि हमारे जो ख्वातीन हैं वो एक अच्छी स्ट्रेंथ से टाइम बार में मौजूद हैं और वो हर ख्वातीन जो है मुख्तलिफ चैम्बर से ताल्लुक़ रखती हैं, तो उनका अपना एक प्यार बना हुआ है इस हवाले से, जो है वो
मर्दों के शाना बशाना कोशा हैं और उनकी यही हमारी कोशिश होती है कि हम एक डिज़र्विंग कैंडिडेट को सेलेक्ट करें जो हमारी ख़वातीन की भी एक अच्छी नुमाइंदगी हो और हमारे वकला जो भाई हैं उनकी तरफ से भी एक अच्छे नुमाइंदा साबित हो हमारे लिए के हर मसले से जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारा ज़ाती मसला हो या हमारा मुआशी कोई मसला हो, तो हम एक मुआशरे की नुमाइंदा जमात हैं, हम इस मुल्क के एक नुमाइंदा जमात हैं जो आइन की एक मुहाफिज जमात है और हमारी जो आवाज़ है वो पूरी एक कौम की आवाज़ है और ये फोरम जो है वो सिर्फ वकला का नहीं है, वो हमारे पूरे मुआशरे के लिए एक फोरम है हमारे तवस्सुत से। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है रुबेना मोहसिन अली, एडवोकेट हाई कोर्ट है। ज़रा हम इनसे पूछते हैं कि एज़ अ ख़ातून वो इस इलेक्शन को किस तरह देखते हैं कि और ख़वातीन का किरदार जो वकला बरादरी में वो किस हद तक है, वो इनके बारे में पूछते हैं ज़रा। जी मैडम, ये तो हमारी बॉडी के इलेक्शन है जिसके तहत हम सब रेगुलेट होते हैं, वकला हजरात जो होते हैं जितने भी, इन्हीं के तहत हमें लाइसेंस मिलता है। ज़ाहिर ख़वातीन का इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि हम भी इन्हीं से जाके लाइसेंस लेते हैं और इन्हीं की अप्रिसिएशन से आगे जाते हैं और बढ़ते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो ख़वातीन का किरदार है, जो मैं जहाँ तक अब तक मुझे जो कमी महसूस होती है, वो बलूचिस्तान बार कौंसिल में कभी किसी ख़ातून कैंडिडेट को नॉमिनेट नहीं किया गया और नामज़द नहीं किया गया कि वो इलेक्शन लड़े किसी भी पैनल की तरफ से। तो ये मैं अपना एक पैगाम देना चाहती हूँ कि ख़वातीन को भी आगे लगाएँ, जिस तरह के बाकी हम बार एसोसिएशन के इलेक्शन में ख़वातीन आती रही हैं, लेकिन बार कौंसिल में अभी तक जो है थ्रू आउट बलूचिस्तान अभी तक कोई ख़ातून जो है बार कौंसिल की मेम्बर कभी नहीं बनी है। और हमारे यहाँ भी ख़वातीन में टैलेंट कम नहीं है, हम भी बन सकते हैं और हमारे भी इश्यूज़ हैं और ख़वातीन के इश्यूज़ अच्छे तरीके से एड्रेस हो सकते हैं ओवरऑल, क्योंकि बलूचिस्तान बार जो ऐसी अथॉरिटी है, आप समझें कि इसका बहुत ज़्यादा लॉ मेकिंग में इसका किरदार है, ख़वातीन के हवाले से भी और ओवरऑल प्रोविंस के हवाले से भी, तो इसका बहुत बड़ा किरदार है। तो मेरे ख्याल में इसमें ख़वातीन को भी आना चाहिए। देखें, वकला का तो बहुत अहम किरदार है, आप थ्रू आउट तारीख़ देखें, किसी भी मुल्क की तारीख उठा लें तो लॉ और रूल की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी हमेशा से जो है वकला इसके लिए काम करते रहे हैं। आपने देखा पाकिस्तान भी एक वकील नहीं बनाया था और उनके साथ आसपास जितने भी उनके लोग थे, उनको मशवरे देने वाले कायदे आज़म को, उनमें भी ज़्यादातर वकला हजरात ही थे। तो जिस तरह आप देख रहे हैं हमारी 70 साल तारीख है पाकिस्तान की और जिस तरह यहाँ पर जो है डिक्टेटर हुकूमतें भी आती रही हैं और दूसरी हुकूमतें भी गैर जमहूरी इकदाम होते रहे हैं, तो वकला ही जो हैं इसे इसमें सीसा पलाई दीवार बन के खड़े हुए हैं और उनका रास्ता रोका है। तो वकला की तो आवाज़ की बहुत अहमियत है और इसको मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि वॉइस ऑफ लॉयर्स की जो आपने एक शुरू की है, ये इसको बहुत अप्रिसिएशन मिलेगी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में।